जल्द ही लॉन्च होने वाली है टाटा की 7 सीटर SUV। जल्द ही होगी ये इसी साल लॉन्च। MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा की XUV500 को ये कड़ा मुकाबला देने वाली है। टाटा मोटर्स की 7 सीट वाली ग्रेविटास SUV लॉन्चिंग के लिए तैयार है। टाटा मोटर्स ने जानकारी दी है कि ग्रेविटास को इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ग्रेविटास साल के शुरुआत में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते इसके लॉन्च को टाल दिया गया था। ग्रेविटास को ऑटो एक्सपो 2020 में भी प्रदर्शित किया गया था। ये मूल रूप से हैरियर SUV का ही एक 7 सीटर और अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। ये हैरियर के ओमेगा प्लेटफॉर्म पर ही बनाई गई है और टाटा के डोनर मॉडल की तुलना में ये SUV 70 mm लंबी और 80 mm बड़ी है। ग्रेविटास में आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल मोटर देखने को मिलेगा, जो 170 PS की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिलेगा विद CMT और AMT गियरबॉक्स। फीचर्स की बात करें तो SUV को नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें डैशबोर्ड और लेआउट होगा। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ब्रेक के साथ इसमें होल फंक्शन सीटों के लिए कलर्ड अपहोल्स्टरिंग और डोर पेडल्स शामिल होंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस यूनिट के अध्यक्ष ने कहा कि टाटा मोटर्स आगे जाकर ग्रेविटास के अलावा एक और मॉडल लॉन्च करने वाली है, जो कि हॉर्नबिल एक सब कॉम्पैक्ट SUV होगी, जिसे हमारे पोर्टफोलियो में 4 SUV होंगे जो सबसे व्यापक पोर्टफोलियो होंगे। ये आने वाले वर्षों में हमारे बाजार की स्थिति और बिक्री को मजबूत करने में मदद करेगी। कंपनी की योजना है कि इस वर्ष वो टाटा की ग्रेविटास को लॉन्च कर दे, उसके बाद वो अपनी इस आने वाली सब कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि हॉर्नब्लेक और ब्लैकबर्ड। ग्रेविटास SUV का लॉन्चिंग के बाद सीधे तौर पर MG की नई हेक्टर प्लस और महिंद्रा की आने वाली न्यू जनरेशन XUV500 SUV को मुकाबला देगी। बीते कई सालों से पैसेंजर व्हीकल्स में शानदार परफॉर्मेंस करने वाली टाटा मोटर्स कंपनी ने कारों के मामले में अब तेजी से अपनी जगह बना रही है। टियागो नेक्सन जैसी टाटा की कई कारें पिछले दिनों चर्चित हुई और जमकर सेल्स हुई। इसके अलावा अब टाटा की एक ग्रेविटास भी भारतीय बाजार में कदम रखते ही तहलका मचा देगी। इसमें आपको शानदार स्पोर्टी डिजाइन, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स के साथ 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और ये कार 7 सीटर होने वाली है और इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख के प्राइस सेगमेंट के अंदर ही दी जाएगी। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। आपको ये टाटा की नई सब कॉम्पैक्ट 7 सीटर SUV कैसी लगी? क्या आप इसको बुक करवाना पसंद करेंगे? अपनी जगह का नाम हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे मत जाएगा। आज के वीडियो का टारगेट रखते हम 750 लाइक का। जल्दी से 750 लाइक के टारगेट को पूरा करें। आपका 1 लाइक चैनल की बहुत मदद करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।